ओए ओए किधर भाग रहा है ओए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज, आज मैं बहुत जल्दी उठ गया हूँ, 5:30 बजे के आसपास उठ गया हूँ, और हमको टाइम का पता नहीं चला और नींद खुल गया है, तो मैं सोचा हूँ उठ ही जाता हूँ। उठने के बाद मैं फ्रेश हो गया हूँ पूरे अच्छे तरीके से, और फिर अभी दादी के लिए चाय बनाने जा रहा हूँ, और अपने लिए दूध ही पीऊँगा, तो दूध उबालूँगा फिर चाय बनाऊँगा। आपको दिखाते हैं आगे कि अभी अंधेरा ही हो रहा है बाहर, तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं अभी पूरा अंधेरा ही है, थोड़ा भी अभी रोशनी नहीं है, ये जो बल्ब जल रही है उसकी रोशनी है, बाकी तो पूरा इधर अंधेरा ही आप देख ही रहे हो। आज मैं बहुत जल्दी उठ गया हूँ, तो चलिए गाइज अब अंदर चलते हैं और दादी के लिए चाय वाय बनाते हैं। तो गाइज देखिए, आप आज बहुत ज़्यादा दूध हुआ है, क्योंकि कल रात को भैंस ही दूध नहीं दी थी, इसीलिए कल रात के भी बदले और आज सुबह का भी दोनों मिला के आज लगते हैं 4-5 लीटर है, तो आज तो बहुत ज़्यादा दूध हो गया। लेकिन दूध जो उठाने वाला है वो सब भी ले जाता है, तो थोड़ा सा ही बचता है, तो इसी में से निकाल के भी चाय बनाएंगे और अपने लिए दूध भी निकालेंगे। तो अभी मैं गैस जला लेता हूँ, अभी जल क्यों नहीं रहा है, फोन तो करो। जल क्या नहीं रहता। तो गाइज, गैस वहां से बंद था और हमको लगा कि गैस खत्म हो गया है, बट गैस खत्म नहीं है, अभी गैस जल रही है मस्त, अभी बहुत दिन चलेगी। तो अब मैं चढ़ा रहा हूँ पे दूध, चढ़ा दिया। तो गाइज, पहले तो मैं दूध उबालूंगा और फिर इसमें से अपने लिए निकालूंगा, फिर उसके बाद चाय इसी में बनाऊंगा। तो अभी मैं दूध उबाल लिया हूँ और हम अपने लिए निकाल रहे हैं थोड़ा सा पीने के लिए, और उसके बाद इसी में है जो दादी के लिए चाय बना देंगे इतने दूध में। तो चलिए चाय बनाते हैं। तो अभी हम तो चाय बना दिए दादी और फुआ के लिए, और अपने लिए अभी बॉर्नविटा घोरने जा रहे हैं, तो बॉर्नविटा भी घोरते हैं, तब तक दादी को चाय दे देते हैं पीने के लिए। तो अभी मेरा बॉर्नविटा भी तैयार हो गया है और हम अब पियेंगे मज़े से। तो अभी हम दूध पी लिए हैं और अभी थोड़ा सा जा रहे हैं पढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि सुबह में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, वैसे भी सुबह में कुछ काम तो है नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अभी धूप भी निकल चुकी है, और धूप निकल गई है फिर भी ठंडी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए हम छत पे आए हुए हैं और धूप सेक रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है धूप सेकने में। और सुबह का धूप तो आप जानते ही है कितना अच्छा होता है, कितना सेहत के लिए फ़ायदा होता है, तो आप लोग भी धूप सेकिए, मज़ा आ रहा है, हम तो सेक रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है बहुत। तो अभी देखिए, मेरी दादी है जो ये चावल पसार के गई है, अब इसको धोने के बाद इसको ना सूखने के लिए रखी है धूप में, और ये सूखने के बाद आटा इसका होगा, और उसके बाद इसका जो रोटी बनता है ना बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, आप लोग भी खाए होंगे, तो चावल की रोटी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। गाइज, ये देखिए मेरी फूफा की बेटी है जो घर घर खेल रही है, इसके साथ भी कोई नहीं है, अभी अकेले ही खेल रही है। ये देखिए गाइज, ये जो डॉगी है ना बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखिए। ओए ओए किधर भाग रहा है। ओए ये देखिए, दूसरे का डॉगी है और यहाँ पे आ गया था घूमते घूमते पता नहीं कहाँ से। तो गाइज, अभी हम राशन लाने जा रहे हैं डीलर के यहाँ से, तो चलते हैं अभी राशन लेकर आते हैं। तो गाइज, आप अब देख रहे हैं यार कितना ज़्यादा भीड़ है यार राशन के लिए, तो अभी हमको भी लगता है वेट करना पड़ेगा, और तो फिर वेट करते हैं, अभी 1-2 घंटे लगेंगे कम से कम, तो कोई बात नहीं है, वेट कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो गाइज, अब मैं लेके आ गया हूँ अपना राशन, ये छोटा वाला जो इसमें गेहूँ है और वो जो है वो चावल है। तो गाइज, अब हमको बहुत ज़ोर से भूख लग चुकी है, और अभी हम जा रहे हैं फटाफट से नहाएंगे और फिर खाना खाएंगे, फिर उसके बाद आप लोग से मिलते हैं।
गाइस अभी आप देख रहे हैं यार, जिस साइकिल से मैं राशन लेने गया था ना, उसमें पूरा ये रसरी फंस चुका है और अभी देख रहे हैं पूरा बुरा हालत हो चुका है। तो अभी हम इसको निकालते हैं फटाफट से। गाइस अभी हम देखिए पूरा फाइनली ये निकाल लिए, इतना कचरा जो था इसमें फंसा हुआ था पूरा चैन में। और अभी आपको चला के दिखाते हैं, एकदम मस्त चल रहे हैं अब पूरे अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और ये जो कचरा था, इतना रस्सी फंसा हुआ था, बहुत टाइम लग गया मुझे निकालने में। हाथ भी, हाथ देखिए पूरा एकदम काला हो चुका है। तो गाइज एक बात आप लोगों को बताया नहीं था कि हमको ना आज स्कूल जाना था, मेरा दोस्त लोग बुलाया था मिलने के लिए, बट जाने से पहले ही प्लान कैंसिल हो गया और बोला है कि इसे मत आओ, तो इसीलिए प्लान कैंसिल हो गया। तो अब नहीं जाऊंगा मैं, नहीं तो आप लोगों को दिखाता मेरा स्कूल कैसा है। DPS है स्कूल का नाम, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो इसीलिए अभी नहीं जा पाऊंगा। तो फिर कभी और चलूंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो पता नहीं क्यों बोला है कि मत आओ, पता नहीं क्या कर दिया है। तो मिलते हैं आप लोग से कभी और, आप लोग को दिखाएंगे हम अपने स्कूल, ठीक है। जब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए। तो पता नहीं क्या हो गया, रेडी करवा के और फिर मना कर दिया है। हम पूरा फुल रेडी हो गए थे, नहा वहा कर मस्त खाना वाना खाकर, और फिर मना कर दिया। कोई बात नहीं है, कभी और आप लोग को अपने स्कूल दिखा देंगे। तो गाइस जब मैं सोकर उठा हूँ, मैं सोया हुआ था और मुझे भूख लग गई है, तो मेरी नींद खुल गई, तो मैं उठ गया हूँ। और अभी मेरी फुआ है जो नाश्ता बना रही है, फिर खाएंगे। वैसे भी शाम हो ही चुकी है, 4 बज रहे हैं अब, तो टाइम हो ही गया नाश्ता करने का। तो वही अब जा रहे हैं नाश्ता करने, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो गाइस देखिए ये रही चावल की रोटी और भुजिया, अभी बनाई है मेरी फुआ, अब हम इसके जा रहे हैं खाने। तो हेलो गाइज, अब हम नाश्ता कर लिए हैं, छत पे ही किए हैं क्योंकि छत पे ही फुआ बना रही थी, तो छत पे ही किए हैं। और हम आपको सुबह में भी बताए थे कि चावल की रोटी बहुत ही टेस्टी होता है, तो आज तो हम 4-5 खा गए, मज़ा आ गया खाने में। तो आप भी कभी खा के देखिएगा, खाए ही होंगे हमको पता है, तो फिर बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, तो इसलिए हम 4-5 खा लिए हैं, तो मज़ा आ गया खाकर। तो चलिए गाइज आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं खत्म। अगर वीडियो में मजा आया तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो गाइज आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।